18 तारीख को हम यहाँ आए थे कश्मीर की विजिट पे और 21 तारीख तक हमारा विजिट रहा है। एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल रिलीजियस मीटिंग की है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग की है वेरियस डिपार्टमेंट से, उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए, कुछ स्कूल्स को विजिट किया, हजरत बालदाटा को विजिट किया और कुछ ज्यादा समय बिताना था यहाँ पर, लेकिन कल हमारा कोर्ट का हियरिंग है, इस वजह से आज ये टूर का ये जो मीटिंग यहाँ से पूरा हुआ है। और हमने जो एक्चुअली सेंटर ने कश्मीर के लिए स्पेशल लिया उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ करती हूँ कि 2021 और 22 के लिए कश्मीर के लिए कितने फंड रिलीज हुए हमको। ये प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMGVK के लिए, इसके लिए 19 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टोटली हमको सैंक्शन हुए हैं और टोटल प्रोजेक्ट का कास्ट 314.33 लाख है। सेंटर शेयर इसमें 282 लाख है। फंड रिलीज हुआ अभी तक 141.44 लाख और प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए कश्मीर के लिए। इसमें एक जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हेल्थ सब सेंटर्स के लिए 4, एडिशनल क्लासरूम के लिए 11 और आंगनवाड़ी सेंटर्स 4, इसके लिए फंड सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और फ्री कोचिंग जो बेनिफिशियर्स है हमारे यहाँ, जिसका 2021-22 में 50 बच्चे हमारे कश्मीर से बेनिफिशियरीज है और इनके लिए हम 39 लाख सैंक्शन की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्कॉलरशिप भी हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है 2021 और 22 के लिए, जिसमें हमने 76.94 करोड़ सैंक्शन किए हैं और पोस्ट मैट्रिक के लिए 26.3 करोड़ सैंक्शन हुआ है अभी तक। मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए 23.23 करोड़ सैंक्शन हुआ है। नई उड़ान स्कीम है, जैसे आप सब जानते हैं ये लोगों को आर्टिस्ट के लिए, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये जो UPPSC SSC इनके लिए कोचिंग दी जाती है बच्चों को, उसमें हमारे कश्मीर से 315 बच्चे अभी तक क्वालिफाई हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और उस्ताद स्कीम है जो बेनिफिट अभी तक सरकार ने यहाँ पर 18 करोड़ सैंक्शन किए हैं और इसके बेनिफिट 3,330 मेंबर्स है। नई मंजिल स्कीम है जिसमें 38 करोड़ सी